तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई। तो पिछले दो क्लासेस में हमने आपको समझाया कि पावर पिवट के अंदर में डेटा की कनेक्टिविटी कैसे होती है। हमने आपको फाइल के साथ कनेक्टिविटी करना सिखाया, हमने आपको सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करना सिखाया, हमने ऑनलाइन पेजेस के साथ कनेक्टिविटी करना सिखाया, राइट। तो आप डेटा को मतलब कि डेटा को इंपोर्ट करना सीख गए एक्सेल में, सॉरी पावर बीआई में। मनोज जी, यस 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 सर। ओके, तो हम डेटा क्या है कि मोस्टली हम लोग एक्सेल से डेटा को इंपोर्ट करते हैं। तो मैं अपनी इस क्लासेस में मोस्टली हम एक्सेल के डेटा को ही इंपोर्ट करेंगे, राइट। तो हमने एक आईएम इंक्वायरी के डेटा को लिया है, और जैसे कि हमने पहली दूसरी क्लास में बताया था कि हम रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो जैसे कि हमने अपने डेटा को यहां से, नहीं ये डेटा गलत है, मैं कोई और डेटा लेता हूं, देखिए मैं एक बार डेटा सही लेता हूं, इसी डेटा को लेता हूं जो पहले से डेटा है रिसेंट सोर्सेज में। हर बार आपको डेटा यहां नोट करने की जरूरत नहीं है, आप यहां रिसोर्स में जाके अपनी जो रिसेंटली डेटा है ना, रिसेंट रिसोर्स में जाकर ले सकते हैं। तो मैंने यहां से इस डेटा को ले लिया एंड हम इसको लोड करते हैं। तो लोड होने के बाद इसकी जितने भी फील्ड्स है वो फील्ड्स आपको यहां, एक बार मैं आपको पिवट टेबल विजुलाइजेशन को समझा देता हूं कि आखिर कैसे इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले आप जो लोड करते हैं, आपने, मैं फिलहाल एक सीट को लेता हूं, मैंने एक सीट के साथ डेटा को लिंक किया हुआ है। डेटा में जितने भी फील्ड्स है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो डेटा में आप डेटा कनेक्ट कर रहे हैं उसका फील्ड जो है वो फील्ड आपका पहले ही पे आना चाहिए, ठीक है ना, उसकी हेडिंग जो पहले रो पे होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा। जैसे कि अभी आईएमक्यू को मैं लिंक किया था, तो इसमें आपने एक चीज देखा, यहाँ पे जैसे डेटा लिंक किया तो यहाँ पे कॉलम 1 2 3 दिख रहा है आपको, और यहाँ पे नल नल नल, क्या कि इसकी इसका कोई हेडिंग नहीं है और इसका जो डेटा है वो तीसरे नंबर रो से आया हुआ है, तो जो ब्लैंक रो यहाँ पे नल कर दिया। तो डेटा लिंक करने से पहले एक बार डेटा को इस तरह से चेक कर लीजिएगा कि आपका डेटा प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि आपके तो डेटा के अंदर फील्ड हो गया, तो इसमें एक साथ कई डेटा को भी लोड किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैं इस पे सेल्स को लोड करना चाहता हूँ, इसी में रिसेंट में इसी की एक सीट है, या अनदर फाइल की सीट है, उसको भी हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डेटा आपने किया है ना, सेल्स को यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तब यहाँ पे लोड होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सेल्स है और यहाँ पे दोनों शीट का डेटा आपको दिख रहा है, राइट। तो अपने हिसाब से फील्ड को ले लीजिएगा, या अब इसको डेटा प्लेटफॉर्म में देखिए तो इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके डेटा दिख जाएंगे, और इसके भी क्लिक कीजिएगा तो दोनों डेटा के बीच में क्या कोई ऑटोमेटिकली रिलेशन तो नहीं हुआ है। तो इन दोनों डेटा के बीच में देखिए SID फील्ड का नेम मैच कर रहा था, तो दोनों के बीच में रिलेशन ले लिया। रिलेशन नहीं चाहिए, रिलेशन को ये ऑटोमेटिकली ले लेता है रिलेशन से। हाँ, ऑटोमेटिकली रिलेशन ले लेता है। आपको गलत रिलेशन लग गई है तो राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिलीट किया हुआ है, ठीक है। ये ऑटो रिकवरी का ऑप्शन है, मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ वापस अपने विजुलाइजेशन में। अब यहाँ पे देखिए कि जो मेरा डेटा है उसमें दो चीजें हैं, एक तो है कि सिंपल फील्ड है, जैसे नेम हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, दिख रहा है आपको। तो ये आपके टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, इसलिए आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, लेकिन जिसके सामने ई का साइन लगा, सम ऑफ का साइन लगा हुआ है ना सर, इट मीन्स ये फील्ड जो है न्यूमेरिक है, समझे, है न्यूमेरिक है, और जिसमें इस तरह का कैलेंडर का चीज लगा हुआ है, फील्ड डेट का है।
अब आपको जो रिपोर्ट अगर बनानी है तो सिंपल क्या करना है, जिस फील्ड को चाहिए उस जिस जिसका कॉलेज पिवट में करते हैं आप उस पिवट टिक कर दीजिए और यहाँ पे टिक कर दीजिए, आपका रिपोर्ट आपके सामने हो। लेकिन जो डेटा आप देख रहे हैं, ये डेटा दिख रहा है आपको, अब इस डेटा में दिक्कत क्या है कि आपका इसको विजुलाइजेशन के फॉर्म में लाना होगा, लेकिन अभी क्या है, एक टेबल फॉर्म में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपका सिलेक्शन होता है वो टेबल फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट ले लिया तो ये आपका देखिए प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट आपका चला गया कॉलम आ गया। आप स्विच करना चाहो तो यहां से उठा के स्विच कर सकते हो कि रो को यहां पर रख दिया और प्रोडक्ट को मैंने वहां पर रख दिया। ठीक है, ठीक है, या फिर मैं रो नेम के नीचे प्रोडक्ट रख दूंगा कॉलम में, या रो में नेम है हमारा और उसी के नीचे हमने प्रोडक्ट रख दिया। तो इस तरह से समरसॉल्ट बन के आ जाएगा, या दिख रहा आपको, इस पर क्लिक करते ही मिला बाकी खुल के आ रहा है, पिवट टेबल में होता है। अभी छोटा दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा दिखेगा। ठीक है, ये आपका एक्सपेंड हो गया, ये अप डाउन करने के लिए होता है। वापस मैं इस पे क्लिक करता हूं या बैक टू रिपोर्ट करता हूं तो बैक टू रिपोर्ट का। लेकिन इसमें कोई इसमें विजुलाइजेशन टूल चाहिए ना आपको सर। अभी एक चीज और देखा आपने, अभी आप जैसे मैंने टेबल फॉर्मेट में किया, अलग अलग किसमें आ गया, कॉलम में आ गया, दिख रहा है आपको। तो अगर टेबल फॉर्मेट में रखते हैं तो इस तरह से आएगा, अगर आप करते हैं इसमें मैट्रिक्स फॉर्मेट में तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में करेंगे तो फिर वो आपको पिवट टेबल की तरह हो जाता है। तो जी समझ गए, ठीक है, तो इसका यूज कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये तो एक चीज तो मैंने जनरली आपको बता ही दिया था और आगे भी इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, पर मैं आपको डेटा प्रॉपर्टीज के बारे में, डेटा की के बारे में समझा रहा हूं। तो डेटा की में सबसे डेटा पे चले जाइए, यहां पे आपका जिस डेटा पे क्लिक करेंगे उसका डेटा दिखेगा। तो इसके अंदर जो है आप डेटा देखना चाहो तो डेटा देखना भी चाह सकते, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे जो आगे विजुलाइजेशन करना है वो पूजा पे करना है, तो मैं डेटा में ही पूजा को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। अब मैं वापस विजुलाइजेशन पे आता हूं, अगर मान लीजिए मैंने दे दिया नेम, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि आपको यहां पे पूजा नहीं आ रहा, यहां पे क्या आ रहा है, पूरा नेम आ रहा है, आ रहा है सर। हाँ जी, तो इसका कहने मतलब ये है कि जो आप डेटा वाले टेबल में जो कुछ करते हैं वो आपका इफेक्टिव फिल्टर वगैरह लगाते या फॉर्मेट वगैरह करते हैं, उसकी कोई इफेक्टिव आपके रिपोर्ट पे नहीं होता है। ठीक, समझ गया, इसका कोई इफेक्ट आपके रिपोर्ट पे नहीं होता है। जयदीप जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, थोड़ा लेट हो गया, नेट कनेक्टिविटी चली गई थी। लेकिन अगर मुझे कुछ मैं डेटा में कुछ चेंजिंग करने हैं और मुझे उसको अपने रिपोर्ट के ऊपर भी, अपने डैशबोर्ड के ऊपर भी उसको इफेक्ट करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में अपने डेटा को करेंगे यहां से सॉरी अलग, यहां आपका डेटा में आते हैं और एडिट क्यूरीज में आते हैं, ये आपका पावर क्यूरी में ओपन हो जाएगा, हो गया। अब मैं यहां पे अपने इस डेटा को, मान लीजिए मुझे सिर्फ चाहिए इसका ऑनलाइन का चाहिए, तो मैंने यहां पे सिर्फ अपना ऑनलाइन सिलेक्ट करके अप्लाई कर दिया। अब यहां पे क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। अब आपका डेटा यहां पे ऑनलाइन, अब आप अगर मैं अब मान लीजिए यहां पे आता हूं, अगर मैं नेम को हटा के मैं अगर सेल्स मोड को रखता हूं तो मुझे सिर्फ ऑनलाइन का ही डेटा दिखेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने डेटा के सोर्स में जाके चेंज कर दिया, तो
तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आप यहाँ पे अगर कोई फिल्ट्रेशन या शॉर्टिंग करते हैं या कुछ करते हैं, उसकी इफेक्ट आपके टेबल पे, आपकी डैशबोर्ड स्पेयर की विजुलाइजेशन पे नहीं होती है। अगर आप कुछ सर्जरी करना चाहते हो, चाहते हैं कि मैं फिल्टर लगा लूं, तो वही चीज का रिपोर्ट बने, तो वो चीज हम यहां पे कर सकते हैं। क्लियर सर? अब चीज है कि मैं, मेरे पास जो है डैशबोर्ड मैं बनाना चाहता हूं, मेरे पास दो या दो से ज्यादा डेटा है। आपने देखा मेरे पास यहाँ पे दो डेटा है ना, लेकिन इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है सेल्स उसके बीच में, फिर भी हम अपने डैशबोर्ड पे कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं, समझे सर? तो जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहां पे क्वांटिटी लिया और मैं लेता हूं, और हम सेल्स की एक सेल्स की क्वांटिटी लेना चाहते हैं। अभी एक जो दिक्कत था कि हमने उसी सिलेक्ट कर रखा था और यहां पे लिया, तो इन दोनों डेटा के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी हमारा आप देख रहे हैं, ठीक है? एक मिनट, ये क्वांटिटी है, मैंने क्वांटिटी लिया और इसको हमने कर दिया ये 15 के आ गया, ओके। फिर हमने क्वांटिटी लिया और इसका हमने ये भी 15 के किया सर, बाउंड आ गया। तो इस तरह से आप दो से ज्यादा टेबल के ऊपर का यूज कर सकते हैं, समझे? जैसे मैं यहाँ पे एक ट्री मैप चार्ट लेता हूँ और ट्री चार्ट के ऊपर मैं बोलता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट और मेरा टोटल रेवेन्यूज का यहाँ इस तरह से, अब दोनों में फर्क क्या होगा अब देखिए। अब जैसे मैं यहाँ पे एमबी को सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरा फिल्ट्रेशंस बाकी पे नहीं चला, दिख गया सर? प्रॉब्लम आया समझ में? कि मेरा फिल्ट्रेशंस इन पे नहीं चलता, लेकिन यही मैं अगर यहां पे करूं कि क्वांटिटी ले लिया मैंने इसका और मैंने बना लिया, और फिर मैंने यहां पे नेम ले लिया, अगर यहां नेम सेलेक्ट हो गया, और यहां पे मैंने एक चेंज हुआ सर, ठीक है सर? जब मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे सिर्फ कविता का दिख रहा है, बट हमारे पहले वाले रिपोर्ट में ऐसा नहीं था कि मैं सिलेक्ट करता था तो दोनों में से कोई चेंज नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये दो फील्ड में, दो टेबल में लिए हुए थे डेटा, इसलिए। ओके, समझ आया? नहीं सर, सर रिपीट करो ना सर, क्लियर नहीं हुआ है। बेसिकली मैंने क्या किया था कि मैं यहाँ पे दो टेबल इंसर्ट कर रखा, एक डेटा एक सेल्स। हाँ सर, समझे? बात ये कि इन दोनों के बीच में मैंने कोई रिलेशन क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो मैंने इसका क्वांटिटी उठा लिया और इसका भी क्वांटिटी उठा लिया,
एनएमआर पे लगा दी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुआ कि मैं एक किसी एक पे कर रहा हूं तो मेरा फिल्टर अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के कोई रिलेशन ही नहीं है तो कैसे फिल्टर करेगा वो। हाँ, लेकिन जब हम दूसरा पेज पे हमने सिर्फ एक ही टेबल से डेटा लिया, अब इस पे मैं किसी पे क्लिक करता हूं तो मेरा फिल्टर अप्लीकेबल हो रहा है क्योंकि इसी एक okay. तो हाँ. मैं ये समझा रहा था कि आप एक से ज्यादा टेबल पे एक से ज्यादा टेबल को इंक्लूड कर सकते हैं अपने रिपोर्ट पे, अगर दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। हम चाहते हैं कि भाई क्वांटिटी आपने यहाँ पे अगर सुजीत का उठाया डेटा तो सुजीत जो है दो टेबल में जहां जहां है उस सबका डेटा पे डेटा उठाए तो है। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दो अलग अलग शीट है, हम अलग अलग एक्सेल शीट में चार्ट बनाते थे, हम अलग अलग चार्ट बना के हम यही पे लगाना चाहते, तो उस केस यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा आपकी इसमें नहीं होता है, टैबलो में नहीं होता है। टैबलो के अंदर में अगर आप एक से ज्यादा शीट इंसर्ट करते हैं तो उनके बीच में आपको रिलेशन क्रिएट करना, ज्वाइंस क्रिएट करना है, लेकिन पावर बीआई में ऐसा नहीं होता है। टैबलू में बस ये प्रॉब्लम होती है। तो अब यहां विजुलाइजेशन में समझिए कि ये आपके फील्ड्स हैं, फील्ड्स में एक से ज्यादा टेबल्स आपके रहेंगे, उसके बाद ये आपकी विजुलाइजेशन है, विजुलाइजेशन में ये आपके चार्ट्स हैं, जैसे आपका स्कैट बार चार्ट है, ये आपका कॉलम चार्ट है, ये आपका बार चार्ट है, कर्सर बार चार्ट है, ये आपका कर्सर कॉलम चार्ट है, ये आपका 100% स्टैक 100% कर्सर है, ये आपकी लाइन है, ये आपकी एरिया चार्ट है, ये आपका स्टैक एरिया चार्ट है, ये आपका लाइन स्टैक कॉलम चार्ट कॉम्बो चार्ट है, ये भी आपका कॉम्बो चार्ट है, ये भी आपका रिबन चार्ट है, रिबन चार्ट में करवा दिया है, ये आपका ये क्या बोलते हैं वाटरफॉल चार्ट है, ये आपका बबल चार्ट आता है स्केटर चार्ट, ये आपका पाई चार्ट है, ये आपका डोनट चार्ट बोलते हैं, डोनट खाने का डोनट होता है, ये आपका ट्री मैप चार्ट हो गया, ये आपका मैप हो गया, ये आपका भी मैप हो गया, फील्ड मैप हो गया, ये आपका बिना फील्ड मैप, ये आपका जो चार्ट होता है ये आपका फुलल चार्ट होता है, ये आपका स्पीडोमीटर पे ग्राउंड चार्ट होता है, ये आपका कार्ड होता है, जैसे कि किसी नेम वगैरह का डेटा या कार्ड रखना चाहता है कार्ड होता है, ये आपका जो होता है मल्टी रो कार्ड, ये आपका एक दिखाता है, ये मल्टी रो होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं मल्टी रो चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सबका यूज में बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी एक बता देता हूँ कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमने नेम दे दिया और हमने यहाँ पे दे दिया स्टेट, तो ये आपका इस तरह से कार्ड पे दिखेगा, और इसमें स्टेट में हमने यहाँ पे टोटल दे दिया, ये आपको टोटल दिखेगा, इस तरह से कार्ड क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये आपका जो केपीआई होता है, की ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआई, समझे कि आप किस किस के अकॉर्डिंग केपीआई यूज कर रहे हैं, उसके अंदर की ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्वांटिटी बाय नेम दिख रहा होगा ना आपको, एक केपीआई होता है। और इसके बाद इसमें आपका ये होता है स्लाइसर, आप अगर स्लाइसर वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिवट टेबल स्लाइसर था ना, इस पर मैं क्लिक करूंगा मैं रिपोर्ट उसी के अकॉर्डिंग बनता चला जाएगा, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह स्लाइसर्स क्रिएट कर सकते हैं, ये आपका टेबल हो गया, ये आपका मैट्रिक्स हो गया, मतलब कि जैसे बताया अभी थोड़ा देर पहले कि टेबल टेबल फॉर्म में होता है, जब इस पर करोगे तो आपका क्लैश हो जाता है पिवट की तरह, उसके मतलब ये तो आपकी सारे विजुलाइजेशंस में आता है। उसके बाद कुछ स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आर की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, आर की स्क्रिप्ट जो है यहाँ नीचे लिखेंगे, जैसे लिखेंगे उसी तरह से आपका यूज होगा। दूसरा आता है आपका यहाँ पे पैथन का स्क्रिप्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं पैथन विजुअल का स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, तो उस तरह पैथन का नीचे आ जाएगा तो पैथन का लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक होता है की इन्फ्लुएंसर होता है, उसका भी आप एज के आगे बताऊंगा सर, ठीक है। और ये आपकी कमेंट्स होता है कि आप इसके अंदर क्लासेस एनालिसिस के बारे में कुछ कमेंट देना चाहते हो, वो कमेंट यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो जो टाइप करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ आपका आता है ये आर्किटेक्टर जीआईजी मैप करके आता है यहाँ पे पावर बीआई, ये आपका एक
मैप होता है इसका जो arcgis.com से लेता है तो उसका होता है, लेकिन इसके लिए कुछ कनेक्टिविटी वगैरह करना पड़ता है, चेंज कनेक्शन वगैरह करना पड़ता है। आप मैप जो है arcgis से लेना चाहते हैं, मैप आप बींग से लेना चाहते हैं, किसी और से लेना चाहते हो या गूगल से लेना चाहते हो, तो वो यहाँ पे उसका मैप देना होता है। उसके बाद ये आपके सामने जो आता है ये भी आपका पावर ऐप, पावर ऐप फॉर पावर बी आई। तो एक माइक्रोसॉफ्ट का ये होता है पावर ऐप होता है, समझ गए? माइक्रोसॉफ्ट का एक पावर ऐप होता है जिसके जरिए आप अपने अपने ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने पावर ऐप के जरिए पावर बी आई के लिए कोई ऐप क्रिएट किया है तो उसको यहाँ नहीं कर सकते, ये आपके काम की चीज नहीं है, ठीक है? सिस्टम में पावर ऐप है नहीं, अलावा यहाँ पे तीन डॉट्स मतलब कि इनके अलावा आपको कोई फाइल इंपोर्ट करना है या कोई माइक्रोसॉफ्ट को करना है या कोई कस्टम डिलीट एक कस्टम विजुअल वगैरह करना है, इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके फील्ड्स होते हैं, रो एंड कॉलम जो फील्ड्स लगते हैं उसका जनरेट होता है, जो भी फील्ड्स आप रखेंगे या जो सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएगा, सिर्फ आपका वैल्यू क्वांटिटी है आपका, कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे चार्ट होगा, जैसे विजुलाइजेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपका फील्ड होगा, समझ गए? ये फील्ड का आ गया, ये फील्ड ये आपकी रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग की आ गई, ये आपका उसका सर्चिंग का आ गया। तो तीन टाइप होते हैं किसी भी विजुलाइजेशन को जो सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर उस पे होने वाले फिल्टर्स होते हैं कि आप यहाँ पे अपना फिल्टर्स लगा के अप्लाई करोगे तो अपने अपने फिल्टर लगाओगे तो फिल्टर होता है। तो तीन चीजें होती हैं, पहला होता है फिल्ड, दूसरा होता है विजुलाइजेशन, तीसरा होता है फिल्टर डिफॉल्ट, ठीक है ना? और इन तीनों को आप यहां से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अगर तीनों में से कोई नहीं है तो व्यू मेनू बार में जाके आप उसको ला सकते व्यू पेज करके, ठीक है? सर ठीक है, ये हो गया, ये आपकी समझ में आ गई विजुलाइजेशन को? तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, आप कुछ बना के भेजिए सर, क्योंकि अभी तक आपने पावर बी आई में कुछ बना के नहीं भेजा, तो एक रिपोर्ट बना के भेजिए, ठीक है? हाँ ठीक। अगर आपको रिपोर्ट बनाने में दिक्कत होती है तो आप गूगल पे जाएं और गूगल पे आप यहाँ पे सर्च करें डैशबोर्ड और इसकी इमेज पे जाए और कोई इस तरह का डैशबोर्ड बना के दे, इसी को ले लीजिए या इसी को ले लीजिए या किसी एक को पकड़ लीजिए, ऐसा डैशबोर्ड बना के दीजिए। देखिए ऐसा इसमें क्या है, ये डिनर चार्ट्स है, ये आपके कार्ड है, ये आपके कार्ड है, नेम कार्ड जो होता है ना, नेम कार्ड, समझे? हाँ बनाइए, ठीक है, ठीक है।